नमस्कार, मैं मीरा जाटो खबर लहरिया से। आइए 25 सितंबर के दिन भर की मुख्य खबरें सुनते हैं। चित्रकूट जिला के मारकुंडी थाना क्षेत्र के गोपीपुर जंगल में गश्त के समय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बबली कोल से मिलने जा रहे मनुआ कोल को पुलिस ने पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी का सपना महोबा में चूर चूर। पार्टी ने नेता नहीं मानते अपने मुख्यमंत्री का आदेश। आदेश की खुलेआम उड़ा रहे हैं धज्जियां। अवैध बालू खनन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश बेअसर। जी हां, चौकी मत महोबा में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और सदर विधायक की करवा रहे हैं अवैध बालू खनन। हैदराबाद जिला के छात्र नेता की कार टक्कर ट्राली से टकराई। राहुल यादव और टोनी घायल हुए, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली रुदौली क्षेत्र में हाईवे पर हुआ हादसा। बनारस जिला के बीएचयू तीमरदारों को जूनियर डॉक्टरों के झड़प के बाद चल रही मनमाना की बगिया। चित्रकूट जिला के रेपुरा क्षेत्र डिलीवरी के लिए ले जाते समय रात 9 बजे रास्ते में महिला सविता पुत्री छोटा केशरवानी के साथ गांव के रज्जू दुबे पुत्र अवधेश पुत्र ने छेड़खानी की एवं बुलोरो के शीशा तोड़ चाड़ के पत्थरों से मारकर किया घायल। 4 वर्षों में दिल्ली पुलिस ने राजधानी में केवल 1134 घुसपैठी पकड़े हैं जिन्हें बांग्लादेश भेजा गया है। दिल्ली में ऐसे घुसपैठियों को पकड़ने के लिए 48 पुलिसकर्मियों का एक बांग्लादेश सेल बनाया हुआ है। देश के सांसदों और विधायकों द्वारा हाल में वर्षों में सारी आलोचनाओं को ठेंगा दिखाकर कर रही गई अंधाधूल बढ़ोतरी और सांसद के संदर्भ में 6 सालों में 4 गुनी से पहले तक हम उनके वेतन भत्तों पर खूब बातें किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई की अध्यक्ष तमिलिसाई सुधराजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत शुरू करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल पुरस्कार देने की वकालत की है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले में 120 से ज्यादा लोगों के फंसने की खबरें हैं। खबरों के मुताबिक 45 लोग लापता हैं, जिसमें आईटीआई रुकड़ी की 35 छात्र शामिल हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी सभी को सुरक्षित बताया जा रहा है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की जांच 5 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि उम्मीदवारों को केवल इस आधार पर आयोग घोषित किया जा सकता है क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप लगाए गए हैं। ये रही आज दिन भर की मुख्य खबरें। कल की मुख्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।